अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट के बारे में। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने 6 पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट क्या होनी चाहिए और एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताई जाएगी। इस रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट नंबर है 05/2020। पहले बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट है। लेक्चरर SLP/SP&HG के लिए 2 पोस्ट हैं। स्टोरकीपर के लिए 1 पोस्ट है। कुक के लिए 1 पोस्ट है। लेक्चरर फार्मेसी के लिए 3 पोस्ट हैं। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 8 जुलाई 2020 है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए आपके पास BCA होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स विद PGDCA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट की बात करें तो प्लस 2 जो है वो साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए, साथ में BSc MLT होनी चाहिए और MSc MLT होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए। अगर लेक्चरर SLP के बारे में बात करें तो MSc होनी चाहिए आपकी ऑडियोलॉजी में या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। स्टोरकीपर के लिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है और कम से कम आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर स्टोर हैंडलिंग। जो लोग कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास पास होनी चाहिए। लेक्चरर फार्मेसी के लिए अप्लाई करने के लिए बी फार्मा में फर्स्ट पोजीशन होनी चाहिए विद मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, दैट इज एम फार्मा। आफ्टर 2 ईयर्स लेक्चरर को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी दी जा सकती है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पोस्ट नंबर 2, 3 और 6 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए ₹1500 और SC ST के लिए ₹750 फीस होगी। पोस्ट नंबर 1, 4 और 5 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500 एंड SC ST के लिए ₹250 फीस होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 इयर्स से लेके 37 इयर्स के पर्सन जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स दी जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रूफ जैसे डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस, रेजिडेंस प्रूफ एक्सेट्रा, इन सबको आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भेजना होगा। ये हार्ड कॉपी आपको 10 जुलाई तक 5 बजे तक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के ऑफिस में भेजनी होगी। और डिटेल्स के लिए आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.bfuhs.ac.in पे विजिट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube पे स्टूडेंट सक्सेस बाय JS धंजू सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि जो भी न्यू वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती है।